झारखंड की खबरों में सबसे पहले रामगढ़ उपचुनाव की बात करेंगे। आज रामगढ़ में मतदान था और मतदान तकरीबन, हालांकि 68% तकरीबन है, लेकिन हम मानकर चलें कि वो 70-71% के आसपास आएगा। बड़ी संख्या में लोग निकले वोट डालने के लिए, और इसके क्या हैं संकेत, क्या इसके मायने हैं, या सिर्फ ये इसकी ओर इशारा कर रहा है कि इस बार जो कैंपेन हुए वो बहुत ज़बरदस्त हुए दोनों ही पक्षों के द्वारा, शायद उसका असर है। हमारे साथ जुड़े हुए मदन, उनसे हम जानेंगे। मदन, ये जो मतदान प्रतिशत है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, चुनाव के बारे में एक भविष्यवाणी कर देता है। तो चुनाव प्रतिशत 70% के आसपास होना, 68% अभी तक है, और मुझे लगता है कि जो फाइनल करेक्शन होगा वो 70-71% तक जाएगा। तो क्या इसको दोनों पक्ष किस तरह से रीड कर पाएंगे, इसमें क्या अपने लिए वो देख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये चुनाव जो है वो दोनों गठबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीए के लिए कहे या फिर एनडीए के लिए। इसीलिए जिस तरह से पूरी ताकत यूपीए ने लगाई, उतनी ही ताकत एनडीए ने लगाई है। अब जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 70% के लगभग पहुँच चुका है। ऐसे में जिस तरह से कांटे के टक्कर रहे अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, ठीक उसी तरह से अब जो मत का प्रतिशत है वो दोनों गठबंधन के दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ा दी है। जरूर ये हम कह सकते हैं कि एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, यानी कि अब जो रामगढ़ की जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने मतदान मतपेटी में डाल दिया, यानी कि ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। कुल 18 उम्मीदवारों के भविष्य जो है अब ईवीएम में कैद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस मतदान के प्रतिशत से दोनों दलों में बेचैनी है। एक तरह से आप इसे आश्वस्त नहीं कह सकते कि आजसू ही अपने आप को कंफर्ट फील कर रही है या फिर कांग्रेस जो है वो आसानी से इस जीत को हासिल कर रही है। दोनों गठबंधन के दलों की धड़कनें जो है, उम्मीदवारों की धड़कन जो है वो काफ़ी तेज है, क्योंकि मत प्रतिशत जो है लगभग 70% है। एक तरफ अगर आप आजसू के नेताओं से बातचीत करेंगे तो वो आश्वस्त दिख रहे हैं कि ये जो मत प्रतिशत है वो बदलाव चाहती है। जो उस क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़ कर इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सुबह से ही बूथों पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी, हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस उत्साह को हर राजनीतिक दल जो है वो अपने खेमे में लेने की कोशिश जरूर कर रही है, अपने हित में जरूर बता रही है। लेकिन हम जो आकलन कर रहे हैं या फिर हम जो वहां के लोगों से बातचीत किए हैं, इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जीत हार का मार्जिन जो है बहुत अधिक नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये मत प्रतिशत जो है दोनों दलों के नेताओं के या उम्मीदवारों के धड़कन जो है बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, हालांकि उपचुनाव आमतौर पर लोग उस उपचुनाव से उदासीन ही होते हैं, बहुत ज्यादा मत प्रतिशत उपचुनाव में कम ही देखने को मिलता है। तो रामगढ़ में जिस तरह से मतदान हुआ है वो अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत कुछ संकेत देता है कि वो किस ओर जाने वाला है चुनाव परिणाम। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी थे। तो मदन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और क्या उससे मतदाता एश्योर हुए कि वो निकलकर वोट डाल सकते हैं? देखिए, मतदान के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम कराए गए थे। जो आधुनिक और ये कहते हैं आदर्श बूथ बनाए जाते हैं वो तमाम बूथे बनाए गए थे, महिलाओं के लिए विशेष कई बूथ बनाए गए थे, और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में शामिल कराने को लेकर के सुरक्षा बलों की तैनाती भी काफ़ी की गई थी। और इसी का नतीजा है कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए। बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकलकर लोग, जो पहले एक स्लोगन चलता था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसी को आधार मानते हुए लोग पहले अपने घरों से निकले और फिर मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तपती धूप में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें ये जरूर बता रही थी कि भले ही उपचुनाव है लेकिन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को अब जनता भी, रामगढ़ की जनता भी ये जानना और समझना चाह रही थी कि इससे राज्य के जो राजनीतिक दिशा है वो तय होगी, 2024 के जो चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा एक तय करेगी। तो इसके लिए दोनों गठबंधन के नेताओं ने, दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में लगाई है। लेकिन अब
जो जनता है वो सीधे तौर पर खुलकर तो नहीं बताती, लेकिन ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि बदलाव की उम्मीद रामगढ़ के लोग बता रहे थे। लेकिन वहीं संपत्ति वोट भी ममता देवी के पति के पक्ष में है, यानी कि बजरंग महतो के पक्ष में है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत भले ही 70 हो, लेकिन राज्य वहाँ के रामगढ़ की जनता ने दोनों ही प्रत्याशियों की धड़कनें जो है वो तेज करा दी है। एक तरफ बदलाव की बात की जा रही है, दूसरी तरफ संपत्ति की बात की जा रही है। तो अब वो मत जो है किनके पक्ष में पड़ा, ये जब वोटों की गिनती होगी उस दिन पता चलेगा। बिल्कुल, और रामगढ़ में जो ज़मीनी हकीकत थी वो भी यही थी कि दोनों ही पक्ष की तरफ मतदाता, हम कह सकते हैं, मुड़ रहे थे, उन्हें देख रहे थे, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, और यही अपने आप में बड़ी बात थी। चूँकि मतदाता बिल्कुल भी, हम कह सकते हैं, उदासीन नहीं थे। बहुत धन्यवाद मदन हमसे जुड़ने के लिए। हम रामगढ़ के नतीजों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत संकेत छिपे होंगे, और उसके बाद जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बदलेंगी, वो तेज़ होंगी, और उसमें जो संकेत निकलेंगे उस तरह से रणनीति आगे राजनीतिक दलों की तय होगी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।